ठीकरी के समीप ग्राम जरवाल में मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों में धांधली होने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ग्राम पंचायत जरवाह के अंतर्गत साफ सफाई के मद्देनजर नाली का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी खुदाई के लिए जेसीबी का उपयोग किया गया, जबकि इसके लिए ग्राम के हर बेरोजगार मजदूरों को काम उपलब्ध होना चाहिए था। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच व सचिव के द्वारा मनमानी करते हुए पिछले कई दिनों से नाली के लिए जेसीबी से खुदाई कर रखी है एवं निर्माण प्रारंभ नहीं किया था, जिस वजह से स्थानीय रहवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गुरुवार जब नाली निर्माण का कार्य प्रारंभ किया तो उसमें भी लापरवाही नजर आई। गिट्टी की जगह नदी का बरअंडा उपयोग किया गया एवं घटिया कंपनी की सीमेंट उपयोग में लाई गई, जिससे इस नाली की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। ग्राम के ग्राम पंचायत सचिव ने बताया कि 1,93,000 रुपए की लागत से उप नाली का निर्माण होना है। निर्माण कार्य शुरू होने के पहले ही नाली निर्माण के नाम से 1,50,000 रुपया निकाल लिया गया, जबकि काम 5% भी नहीं हुआ है। एक तरफ सरकार लॉकडाउन के बाद से बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की जुगत में है, वहीं ग्राम पंचायत इस तरह के निर्माण में मशीनों का उपयोग कर उन्हें बेरोजगार करने की तैयारी में है। कहाँ रहते हैं आप? क्या समस्या आपको? ये सब बंडा से नाली बना रहे सर। अच्छा, सीमेंट इसमें सेट है नहीं तो क्या करें? अच्छा, गिट्टी भी नहीं है और सीमेंट भी सिर्फ बंडा है। और निकलना कैसे? हम नाम बाबूलाल धनगर है। कहाँ रहते हैं आप? जरवा रहता हूँ। क्या समस्या अभी आपको? अरे 8 से 15 बजे नाली खोदी और हमारे सामने 4-4, 5-5 बार पाइपलाइन भी खोद दी और उसमें माल का ठिकाना भी नहीं है, कहीं भी नहीं, और जेसीबी से खुदवाई और हमारे को रोजगार कहीं नहीं मिल रहा है। तो भैया हमने क्या करना, हमने खाना क्या? लॉकडाउन में पहले से परेशान है। अच्छा, कोई आपको मजदूरी वजदूरी पंचायत के दौरान नहीं मिल रही? आज तक कभी नहीं मिली, ना तो मेरी मिसेस को मिली, ना मेरे को मिली, ना मम्मी को मिली, किसी को भी मिली। हम 7 जन का परिवार है, कैसे तरीके से गुजारा कर रहे हैं। ठीक है भाई।